ओके तो भाई फाइनली ब्रॉन्सन रेड वर्सेस बॉबी लेसली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से ये मैच उस लेवल का डिजर्व नहीं किया जिस लेवल का मैंने सोचा। वैसे एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ पूरे मैच के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। सबसे पहले मैच के स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो मैच के स्टार्टिंग में यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड और ऑस्टिन थ्योरी की इस बात को पता चल गया था कि हम लोग दोनों साथ में ही मिलकर बॉबी लेसली को हरा सकते। और फिर हमें करीब एक मिनट के लिए बड़ा कमाल का टीम देखने को मिलता ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड। भाई मुझे ऐसा लगा कि ये टीम मैच के लास्ट तक टिकने वाला पर मैच के एक मिनट जस्ट बाद ये टीम टूट जाता क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक कर देते। वैसे जैसे ही ब्रॉन्सन रेड ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के कमाल का स्पीयर भी लगा देते हैं उसी समय हमारे बॉबी लेसली। और देन उसके बाद उस स्पीयर को ब्रेक डाउन करने के लिए ब्रॉन्सन रेड जो है बॉबी लेसली को खींच के बाहर लाते हैं उसके बाद अटैक भी करते हैं ब्रॉन्सन रेड बॉबी लेसली के ऊपर। मैच के अगर हम लोग एकदम लास्ट फेस के बारे में बात करें तो मैच के लास्ट फेस में यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं बॉबी लेसली के ऊपर। बॉबी लेसली अपना सबमिशन मूव में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आपको अगर याद होगा जिस तरह से ब्रॉक लेसनर टॉप रोप के ऊपर जंप करके उस सबमिशन मूव बॉबी लेसली को तोड़े थे उसी तरह से यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी भी तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर सबमिशन मूव टूटता है यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड जो है वो अपना स्प्लैश लगाते हैं बॉबी लेसली के ऊपर उसके बाद पिन करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर आकर तोड़ देते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी। और फिर अगर मैच के एकदम लास्ट फेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर बॉबी लेसली सबसे पहले स्पीयर कमाल का लगा देते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड के ऊपर। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लेसली को सबसे पहले बाहर भगाते हैं उसके बाद पिन कर देते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था या तो ब्रॉन्सन रेड बॉबी लेसली के ऊपर फिनिशर लगाने वाले या फिर बॉबी लेसली ब्रॉन्सन रेड के ऊपर फिनिशर लगाने वाला उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी सिंपल साइड करके उनको पिन कर देने वाले। वैसे इस मैच का विनर हमारे ऑस्टिन थ्योरी हो गए इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पर भाई एक्चुअली मैच का क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर नहीं था। मैं सही बताऊं तो मैं एक्चुअली ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि मैच बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग मैच होने वाला और मैं बोला भी था ऑलरेडी वीडियो के अंदर कि सबसे कमाल का यही मैच देखने को मिलेगा पर ये मैच एक्चुअली 4 से 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वैसे आप लोग सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये मैच कैसा लगा। साथ ही साथ सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल का आप।